कि दुनिया में कितना गम है, मेरा गम बहुत कम है। दुनिया का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। जिंदगी है ये। देखो एक डायलॉग है मेरा, आपके पास जो है, लाइव शुरू करने जा रहा हूं आज का मैं, आपके पास जो है उससे आपको घमंड आए तो अपने से ऊपर वाले को देखो। जैसे मेरे पास एक कार है मान लो 30 लाख की और मुझे उससे घमंड आ जाए तो वो कार कह रहे भाई लोगों के पास हवाई जहाज भी खुद के हैं, और मेरे पास बाइक है और मैं डिप्रेशन में आ जाऊं कि यार मेरे पास तो बाइक ही है तो भाई लोगों के पास साइकिल भी है। जिंदगी का एक फंडा है, जिंदगी का खुश रहने के लिए हमेशा, खुश रहने के लिए हमेशा अपने से बड़े को भी देखो और अपने से छोटे को भी देखो। अपने से छोटे को देख के भगवान को थैंक्स दो कि तूने मुझे इनसे कुछ ज्यादा दिया है, और बड़े को देख के भगवान से उम्मीद करो कि कुछ और दे दे इज्जत के साथ। जिंदगी में दो चीजें, वो कहते ना कि जिंदगी में भगवान से शिकायतें करो, भगवान से नाराज मत हो। इसमें भी एक बहुत प्यारा किस्सा है। एक बार एक व्यक्ति एक मंदिर में खड़ा भगवान से बुरा भला कह रहा था, मेरे पास अच्छे जूते नहीं है, मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं है, ये नहीं है। इतने में वहां एक व्यक्ति आता है जिसके दोनों पांव नहीं होते हैं। ध्यान दूंगा मैं, एक व्यक्ति भगवान से शिकायत कर रहा है मेरे पास अच्छे जूते नहीं है। इतने में एक व्यक्ति बैसाखी लगाए आता है जिसमें दोनों पांव कटे हुए हैं और वो आके कहता है भगवान थैंक यू, तूने मेरे दोनों पांव ही काटे एक्सीडेंट में, मुझे बचा दिया, आज मेरी बीवी मेरे बच्चों के साथ रहता हूं मैं। उस आदमी की आंखें खुल गई। एक आदमी केवल जूतों के लिए भगवान को आरोप लगा रहा है, एक दोनों पांव कटने के बाद भी ईश्वर को थैंक्स दे रहा है कि ईश्वर एक्सीडेंट में तूने मेरे दोनों पांव ही काट के मुझे बचा दिया, तो मेरी जान भी ले सकता था, मैं तेरा आभारी हूं कि सांस तेरे नाम है। तो इस पे एक बहुत अच्छी सी गीत की लाइनें भी हैं कि कुछ लोग तो जूतों को रोते, कुछ लोग तो जूतों को रोते, कुछ लोगों के पांव नहीं होते। मेरा हाल इतना खराब नहीं, ऊपर वाले तेरा जवाब नहीं, कब दे क्या दे हिसाब नहीं। दोस्तों हर बुरा दौर गुजरता है, याद करो अप्रैल मई जून के महीने लॉकडाउन के थे, उसमें लाइव अक्सर कहता था मैं कि दौर गुजर जाएगा, वो दौर गुजर गया। देखो दोस्तों।